नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट लाता था, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। नेटवर्क18, अगर इस शेयर की बात करें तो धीरे धीरे ये शेयर काफ़ी ऊपर आ चुका है, तो देख लेते हैं इसका डिटेल की क्या बनता है और क्या रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आज के क्लोजिंग की बात करें तो आप देखेंगे 42 रुपये पैसे पर ये शेयर क्लोज हुआ है और आज ये शेयर 3.5% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखा रहा था। अगर वहीं 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 14 रुपये 70 पैसे जो कि इसका 52 वीक लो है, इसने बनाया था 25 मार्च 2020 में। अगर वहीं 52 वीक हाई की बात करें तो 50 रुपये का है 52 वीक हाई जो कि 22 जुलाई 2020 में इसने बनाया था। अगर वहीं डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे 50% से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई है, यानी इस शेयर को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। अगर वहीं बात कर लेते हैं और डिटेल की तो आप देखेंगे 13,07,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस से उठाई गई है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर इनके फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें यानी पिछले 4 सालों से कंपनी कैसा रिटर्न कर रही है, तो आप देखेंगे इनका रेवेन्यू जो कि थोड़ा बढ़ता घटता हुआ दिखा है। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 2017 से लेकर अभी तक प्रॉफिट नहीं बना पाई है, यानी कंपनी को लॉस का सामना करना पड़ा है। लेकिन ये उम्मीद किया जा सकता है कि जब से रिलायंस इसमें इंक्लूड हुई है तब अब धीरे धीरे हो सकता है कि आने वाले 1-2 सालों में कंपनी फिर से प्रॉफिट भी जनरेट करना स्टार्ट कर दे, तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, और डिटेल की बात करें तो पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 131.92% का रिटर्न ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है। अगर 1 महीने के रिटर्न की बात करें तो 10.80% का रिटर्न जो कि कंपनी ऑलरेडी दिखा चुका है। अगर पीई की बात करें तो आप देखेंगे 17.96 का है। अगर वहीं बात करें सेक्टर पीई की तो आप देखेंगे -6.67 का है, यानी ये शेयर सेक्टर पीई से भी काफ़ी ज़्यादा नीचे मिल रहा है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे चार्ट में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिले और ये शेयर फिर तेज़ी के साथ थोड़ा सा अंडर प्रेशर भी देखने को मिला, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से जिस हिसाब से पूरा का पूरा मार्केट करेक्ट हो रहा था, तो जाहिर सी बात है ये शेयर भी काफ़ी तेज़ी से करेक्ट हो रहे थे। करेक्शन के बाद आज काफ़ी अच्छा फिर से बाउंस बैक देखने को मिला और ये शेयर 3.5% से ज़्यादा का ग्रोथ दिखाया। तो दोस्तों, अगर इनके टारगेट की बात करें तो जहाँ तक मुझे लग रहा है 46 का इनका पहला टारगेट होगा। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर आपको 52 तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा। हालांकि इनका अगर 52 एक हाई की बात करें तो 50 रुपये का है और ये लेवल जैसा ही टूटेगा 52 रुपये का जो टारगेट बनेगा उसके बाद थोड़ा बहुत इसमें अंडर प्रेशर या प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब शेयर फिर से बाउंस बैक करेगा तो 58 से 62 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा, यानी कि शेयर जिस हिसाब से चल रहा है मुझे लग रहा है धीरे 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 करके शेयर फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बीच बीच में छोटे बहुत आपको गिरावट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी शेयर डायरेक्टली ऊपर तो जाता नहीं है। अगर ऊपर जाता है तो थोड़ा बहुत करेक्ट होता है, फिर ऊपर जाता है, तो ऐसा जिग जैग बनता हुआ आपको दिख जाएगा इसके चार्ट में, जैसा कि अभी तक आपको देखने को मिल रहा था। आप देखेंगे इसमें जिग जैग बनते हुए ही ये शेयर ऊपर की तरफ आया है, तो हालांकि ये शेयर फिर से ऊपर जाएगा थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखते हैं और थोड़ा टाइम देते हैं। टाइम का कहने का मतलब है कम से कम 2-4 महीने का अगर टाइम देते हैं तो ये शेयर आपको 60 के प्लस देखने को मिल जाएगा, यानी नया 52 वीक हाई लगाएगा, उसके ऊपर काफ़ी ऊपर जाने भी वाला है, इस बात का ट्रस्ट किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।